Hello friends, welcome to in this video, and today we will learn how to make animation and using animation how we can run a man on road using HTML and CSS. Friends, as you see here on my screen, एक man run कर रहा है on the road, shadow of city जो कि move कर रही है और एक cloudy background. ये complete scenario हमने create किया using HTML and CSS. तो चलिए हम इसको क्रिएट करेंगे स्टेप बाय स्टेप. तो सबसे पहले हम चलेंगे अपने रूट फोल्डर में. HTML CSS फाइल को ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है और इमेज फोल्डर में मैंने इमेज को रखा हुआ है और इस फोल्डर को मैंने ओपन किया है यूजिंग ब्रैकेट्स कोड एडिटर. और इसमें मैंने HTML का बेसिक स्ट्रक्चर ऑलरेडी टाइप किया हुआ है जैसे कि आप देख रहे हैं. और CSS फाइल को मैंने क्रिएट किया हुआ है जिसमें मैंने ग्लोबल CSS लाइक मार्जिन एंड पैडिंग को ऑलरेडी ऐड किया हुआ है. और इस CSS फाइल को मैंने HTML के अंदर हेड के अंदर यहाँ पे यूजिंग लिंक टैग कनेक्ट किया हुआ है. चलिए अब हम चलेंगे बॉडी में और यहाँ पे हम एक div क्रिएट करेंगे जिसका क्लास नेम हम रखेंगे हीरो. हीरो क्लास को हम कॉपी करके चलेंगे CSS में और इसके अंदर हम CSS टाइप करेंगे लाइक विड्थ 100%, हाइट 100 VH, बैकग्राउंड इमेज ऐड करेंगे इमेज पाथ, बैकग्राउंड साइज ऐड करेंगे, बैकग्राउंड कवर, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर. अपने कोड को रन कराने के लिए फ्रेंड्स हम चलेंगे अपने रूट फोल्डर में और यहाँ पे HTML को ओपन करेंगे यूजिंग गूगल क्रोम. तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं हमने बैकग्राउंड को ऐड कर लिया अपनी वेबसाइट में HTML में. और यहाँ पे हीरो क्लास के अंदर एक और क्लास नेम ऐड करेंगे हाईवे और इसको हम कर लेंगे डुप्लीकेट और इसका क्लास नेम रखेंगे हम सिटी. अब हम हाईवे को कॉपी करके चलेंगे CSS में और इसमें हम टाइप करेंगे ऐड करेंगे हाइट, ऐड करेंगे विड्थ 500 पिक्सल 500% और ऐड करेंगे बैकग्राउंड इमेज, इमेज फाइल पाथ नेम, ऐड करेंगे पोजीशन एब्सोल्यूट और हीरो क्लास के अंदर ऐड करेंगे पोजीशन रिलेटिव, ऐड करेंगे बॉटम 0 हाईवे क्लास में. अब चलेंगे ब्राउजर को रन करेंगे. तो फ्रेंड्स हमने अपने रोड इमेज को ऐड कर लिया अपने वेबसाइट में. तो जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है और ये ओवरफ्लो कर रहा है. तो चलेंगे हम CSS में और क्लास हीरो के अंदर यहाँ पे पोजीशन है रिलेटिव के बाद में ऐड करेंगे ओवरफ्लो एक्स हिडन. अब अगेन अपने ब्राउजर को रन करेंगे. तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा रोड अब फुली विड्थ को कवर कर रहा है और ओवरफ्लो भी नहीं हो रहा है. अब HTML फाइल से क्लास सिटी को कॉपी करके हम CSS में ऐड करेंगे और इसमें भी हम टाइप करेंगे हाइट 250 पिक्सल, विड्थ ऐड करेंगे 500%, ऐड करेंगे बैकग्राउंड इमेज, इमेज पाथ और ऐड करेंगे पोजीशन एब्सोल्यूट, बॉटम 200 पिक्सल. अब अपने ब्राउज़र को रन करेंगे. तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं हमने ऐड कर लिया सिटी शैडो को भी. अब हम इन पे अप्लाई करेंगे एनिमेशन. तो चलेंगे हम अपनी CSS फाइल में, यहाँ पे हम चलेंगे क्लास हाईवे के अंदर और यहाँ पे हम ऐड करेंगे एनिमेशन, एनिमेशन नेम हाईवे और टाइम रखेंगे 5 सेकेंड, लीनियर इनफाइनाइट. अब हम ऐड करेंगे की फ्रेम्स, एनिमेशन नेम और इसके अंदर 100% होने पे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स हो जाए -3400 पिक्सल. सिमिलरली ऐड करेंगे क्लास सिटी में एनिमेशन और यहाँ पे हम टाइप करेंगे एनिमेशन नेम सिटी 20 सेकेंड, लीनियर इनफाइनाइट और इसमें हम टाइप करेंगे की फ्रेम्स, एनिमेशन नेम
और 100% होने पे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स हो जाए -1400 पिक्सल। तो ये दो एनिमेशन ऐड करने के बाद में अब हम अपने ब्राउज़र को रन करेंगे फ्रेंड्स। तो चलेंगे अपने ब्राउज़र को हम रन करेंगे। तो जैसे मैं अपने ब्राउज़र को रीलोड करूँगा तो जैसे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमारा रोड और सिटी दोनों मूव कर रहे हैं। फ्रेंड्स, एनिमेशन अप्लाई करने के बाद में अब हम ऐड करेंगे यहाँ पे एक और कैरेक्टर इमेज। इस इमेज को ऐड करने के लिए हम चलेंगे गूगल सर्च करेंगे। एक्चुअली फ्रेंड्स, मैंने कैरेक्टर इमेज लिंक को किया हुआ है बुकमार्क, तो मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। और फ्रेंड्स, इसकी हम पहुँच जाएंगे रूट साइट पे। इस वेबसाइट का नाम है गिफी और यहाँ पे हम अपना GIF इमेज सर्च कर सकते हैं कॉपी लिंक पे, यहाँ पे राइट साइड में। और यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, शॉर्ट लिंक, GIF लिंक एंड HTML वीडियो। तो मैं GIF लिंक को कॉपी करके चलूँगा अपनी HTML में और यहाँ पे IMG सोर्स के अंदर यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। और चलूँगा मैं IMG को कॉपी करके अपनी CSS में और यहाँ पे इसमें मैं टाइप करूँगा पोजिशन एब्सोल्यूट लेफ्ट 50%, बॉटम ऐड करूँगा 40 पिक्सल और ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स -50% और जेड इंडेक्स 1। अगेन हम अपने ब्राउज़र को रन करेंगे फ्रेंड्स। तो जैसे ही मैं अपने ब्राउज़र को रन करूँगा तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे हमने एनिमेशन को कर लिया कंप्लीट। मैन रन कर रहा है ऑन द रोड एंड सिटी भी मूव कर रही है। एंड फ्रेंड्स, वन मोर थिंग, यू कैन फाइंड दिस इमेज बिलो इन द डिस्क्रिप्शन। तो फ्रेंड्स, आपने देखा हम एनिमेशन का यूज करके किस तरीके से अपनी वेबसाइट में मैजिक क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग HTML एंड CSS। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।